जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीटी न्यूज को। प्रणब मुखर्जी वो नाम है जो भारतीय राजनीति में इस वक्त की एक ऐसी कड़ी थी जिसके अंदर आदर्श राजनीति, मर्यादित भाषा और सभी दलों को साध कर रखने का केंद्र बिंदु था। ज्योति बसु के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति का प्रणब दा वो चेहरा थे जिन्होंने हिंदी पट्टी के लोगों को भी अपना दीवाना बना दिया। भला कौन होगा जो धुर विरोधी होकर भी आरएसएस के मंच पर जाकर अपनी बात इस कदर रखता कि प्रतिद्वंदी भी उसके आगे नतमस्तक हो जाएं। ऐसे थे हमारे प्रणब दा। आइए भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब दा के बारे में जानते हैं, उनके जीवन के पन्नों को फिर से पलटते हैं। प्रणब दा का जन्म 11 दिसंबर 1935 को मिराती गाँव में एक बंगाली परिवार में हुआ था। जन्म के वक्त ये जगह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ब्रिटिश भारत का हिस्सा थी। अब ये जगह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रूप में जाना जाता है। मुखर्जी के पिता कमादा किंकर मुखर्जी भारत के आजादी के आंदोलन से जुड़े एक नेता थे और 1952 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। वह कांग्रेस से जुड़े थे। प्रणब मुखर्जी की मां का नाम राज लक्ष्मी मुखर्जी था। प्रणब ने शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज से पूरी की। यह कॉलेज अब बीरभूम जिले में आता है। तब यह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एफिलिएटेड था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही पॉलिटिकल साइंस इतिहास में एमए की डिग्री और फिर एलएलबी की डिग्री भी ली। वह कलकत्ता में पोस्ट और टेलीग्राफ दफ्तर में अपर डिवीजन क्लर्क थे। 1963 में वह विद्यासागर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नियुक्त हुए। उन्होंने राजनीति में प्रवेश से पहले देशक तक यानी मातृभूमि की आवाज के लिए बतौर पत्रकार कार्य भी किया। प्रणब मुखर्जी ने कई बार मंत्री पद संभाले। 2012 में देश के राष्ट्रपति बनने से पहले तक वे 2009 से 2012 तक देश के वित्त मंत्री भी रहे। मुखर्जी के जीवन काल में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने राजनीति से ब्रेक ले लिया था। ये समय 1969 का था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में जाने के लिए उनकी मदद की थी। प्रणब का यहाँ से ऐसा उदय हुआ कि वह देखते ही देखते गांधी परिवार के करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। 1973 में ही वे कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान मुखर्जी पर घोर ज्यादती के आरोप भी लगे। 1982 से 1984 में मुखर्जी ने लंबी छलांग मारी और भारत के वित्त मंत्री बन गए। 1980 से 1985 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। राजीव गांधी के जमाने में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुखर्जी को साइड लाइन कर दिया गया। दरअसल इंदिरा के बाद मुखर्जी खुद को कांग्रेस का सबसे अनुभवी नेता मानते थे, जबकि प्रधानमंत्री का पद मिला कम अनुभवी राजीव को। आपसी द्वंद्व और खींचतान के बाद प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और खुद की पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जिसका बाद में राजीव की सहमति से कांग्रेस में विलय हो गया। राजीव गांधी के निधन के बाद 1991 में मुखर्जी का राजनीतिक करियर तब जगमगाया जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें प्लानिंग कमीशन का प्रमुख बना दिया। इसके बाद 1995 में वे भारत के विदेश मंत्री भी बने। प्रणब की कोशिशों का नतीजा ही था कि 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में आई, मुखर्जी भी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे। यह पहली बार था जब मुखर्जी लोकसभा पहुंचे थे। 2012 में अपने इस्तीफे से पहले तक मुखर्जी सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नंबर दो की भूमिका में रहे। इस दौरान उनके पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे, इनमें से रक्षा 2004 से 2006, विदेश 2006 से 2009 और वित्त 2009 से 2012 थे। कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का नेतृत्व करने के साथ साथ वह लोकसभा में सदन के नेता पद पर भी रहे। यूपीए की तरफ से 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने के बाद मुखर्जी ने आराम से पीए संगमा को हरा दिया। मुखर्जी को 70% वोट मिले। 2017 में मुखर्जी ने तय किया कि वह फिर से राजनीति में नहीं उतरेंगे और संन्यास लेंगे। 25 जुलाई 2017 को उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया। उनके बाद रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। जून 2018 में मुखर्जी देश के ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति बने जिन्होंने आरएसएस के किसी कार्यक्रम को संबोधित किया।